खोज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और खोज वर्ल्ड में आज हम आपको बताएंगे ऐसी रहस्यमयी पांच जगहों के बारे में जहां हम जा नहीं सकते, बस उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते, क्या है मिस्ट्री, इसको देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मनुष्य जाति का स्वभाव घुमंतु और जिज्ञासु है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार सुलभ और दुर्लभ जगहों को देखना पसंद करता है, लेकिन दुनिया में ऐसी कई रहस्यमय जगह हैं जहां आम आदमी का जाना मना है। कुछ जगहों को जीव जंतु और पर्यावरण को बचाने के लिए प्रतिबंधित किया है, तो कुछ को गुप्त सैन्य संस्थान के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया, तो कुछ जगह ऐसी हैं जहां जाना जानलेवा हो सकता है। हम धरतीवासी होते हुए भी हमें ऐसी जगहों पर नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि ये हमारे हित में है। दुनिया में रहस्यमयी जगह, अविश्वसनीय और अद्भुत चीजों की कोई कमी नहीं है। विज्ञान चाहे कितनी तरक्की कर ले, लेकिन प्रकृति के रहस्य को समझना और उसे सुलझाना आज भी उनके लिए असंभव है। विज्ञान को कई जगहों में सफलता भी मिली है, लेकिन फिर भी दुनिया में न जाने ऐसी कितनी रहस्यमयी जगह हैं जो आज भी आम इंसानों की पहुँच से परे हैं। आज हम आपको ऐसी ही जगहों के बारे में बता रहे हैं। उनमें सबसे पहले है उत्तर सेंटिनल द्वीप। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित ये द्वीप आदिवासियों का घर है। ये विश्व के एकमात्र ऐसे लोग हैं जो 21वीं सदी में पाषाण युग का जीवन जी रहे हैं। आधुनिकता इनसे कोसों दूर है। इन्हें अपने द्वीप पर किसी का भी आवागमन पसंद नहीं। इनसे आज तक जितने भी संपर्क बनाने के प्रयास किए गए वो सब बेकार साबित हुए, क्योंकि ये अपने द्वीप के समीप किसी को भी देखते ही तीर भालों से हमला कर देते हैं, जिसका कारण ये है कि ये आदिवासी अपने पर्यावरण एवं संस्कृति की रक्षा करने में इतनी रुचि रखते हैं कि ये किसी भी अजनबी की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाते। इसलिए ये संसार के सबसे सुरक्षित एवं खतरनाक आदिवासी माने जाते हैं। आखिरी बार ये घटना 2006 का एक किस्सा है, जब दो मछुआरों की नाव गलती से इनके द्वीप के किनारे लग गई और इन आदिवासियों ने तीर भालों से उनकी हत्या कर दी। इस लिहाज से आप तकनीकी तौर पर यहाँ की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल है कि आप जीवित वापस आ पाएंगे। दूसरा है वेटिकन के गुप्त संग्रहालय। वेटिकन सिटी इटली की राजधानी रोम के अंदर स्थित एक छोटा सा स्वतंत्र देश है। वेटिकन के संग्रहालय और पुस्तकालय अमूल्य हैं, इसलिए इसे अत्यंत ही गुप्त रखा जाता है। यहाँ 8वीं शताब्दी के दस्तावेज एवं अन्य गुप्त वस्तुएं भूतल के गहरे अंधकार में एक गोदाम में सुरक्षित रखी हुई हैं, ताकि इन गुप्त दस्तावेजों तक कोई पहुंच ना सके। यहाँ गुप्त दस्तावेजों में प्रमुख हैं माइकल एंजेलो के पत्र और स्कॉट के मेरी क्वीन के पत्र, जिसमें वह अपने निष्कासन की आशा कर रही थी। साथ ही सम्राट हेनरी 8 के विवाह संबंधी दस्तावेज। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ जाना मना ही नहीं असंभव भी है। तीसरा है सांपों का द्वीप। ये ब्राजील शहर के साउ पोलो से 144 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक द्वीप है। ब्राजील का ये द्वीप दुनिया के सबसे जहरीले गोल्डन लेंस हैंड का घर माना जाता है। 110 एकड़ के इस द्वीप पर लगभग 4000 सांप रहते हैं। ये सांप इतने जहरीले होते हैं कि ये मनुष्य के मांस तक को गला सकते हैं, इसलिए यहाँ किसी भी जीव का जाना मना है, और अगर चले भी गए तो बचना नामुमकिन है। 2009 में ब्राजील के जहाजों को इस द्वीप से दूर रखने के लिए एक लाइट हाउस बनवाया था, जिसे एक परिवार चलाता था, लेकिन 1920 में ये पूरा परिवार मृत पाया गया, क्योंकि गोल्डन लेंस हैंड इनके घर में घुस आया था। सांपों की भारी संख्या को देखते हुए इस लाइट हाउस को पूरी तरह से स्वचालित कर दिया गया है। सांपों के घनत्व और खतरों को देखते हुए ब्राजील सरकार ने पूरी तरह से इस द्वीप पर आने जाने पर पाबंदी लगा दी है, और नेवी इस द्वीप के चारों ओर गश्त लगाती है। अब बात करेंगे मेझेगोरे की। ये चौथा प्रतिबंधित स्थान है। ये रूस के बस्कोतोस्तान गणतंत्र में स्थित है। मेझेगोरे का पूरा शहर देखने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी गुप्त कार्य में व्यस्त हो। यहाँ के बारे में ज्यादातर लोगों का मानना है कि यहाँ एक गुप्त परमाणु मिसाइल केंद्र है, जिसकी रक्षा में रूसी सेना की एक पूरी बटालियन मुस्तैद है। कहा यह भी जाता है कि यहाँ स्थित मिसाइल प्रणाली स्वचालित सेंसर से युक्त है, जो भविष्य में
किसी भी तरह के परमाणु हमले की स्थिति में स्वयं ही निर्धारित लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है, इसलिए यहाँ आना जाना सख्त मना है। इतना ही नहीं, यहाँ के स्थानीय निवासी भी सेना की इजाजत के बिना शहर में आ जा नहीं सकते। इसके अलावा यहाँ ऐसे बंकर हैं जो युद्ध के दौरान रूस के खजाने की रक्षा कर सके। हो सकता है कि इस कारण ही यहाँ बाहरी इंसान का जाना पूरी तरह से मना है। बात करेंगे पांचवें स्थान की, जिसका नाम है मेट्रो 2। ये एक भूमिगत मेट्रो रेल सेवा का नाम है जो रूस के मॉस्को शहर में गुप्त भूमिगत स्थान पर स्थित है। कहा जाता है कि ये मेट्रो शहर के पब्लिक मेट्रो के समानांतर चलती है। मेट्रो 2 की लंबाई पब्लिक मेट्रो से अधिक है और सुनने में ये आता है कि इस मेट्रो का निर्माण जोसेफ स्टालिन के समय हुआ और रूस की गुप्त एजेंसी KGB ने इसका नाम D6 रखा था। कहा जाता है कि जोसेफ स्टालिन ने परमाणु हमले या आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित जगह तक पहुंचने के लिए इसका निर्माण करवाया, जिस कारण इस मेट्रो लाइन का निर्माण रूस की सरकारी मुख्यालय, सरकारी एयरपोर्ट और भूमिगत शहर रोमेंकी की सुरक्षा की दृष्टि से भूमिगत माध्यम से जोड़ता है। सुरक्षा को देखते हुए इस मेट्रो 2 को जमीन से 50 से 200 मीटर की गहराई में बनवाया गया है। 1994 में अर्बन के एक नेता ने दावा किया था, उन्होंने इस मेट्रो के अंदर जाने का रास्ता खोज निकाला है, लेकिन रशियन सरकार इस तरह की मेट्रो होने का दावा खारिज कर चुकी है। दोस्तों, ये थे पांच ऐसी जगह जहां आप कभी नहीं जा सकते। दोस्तों, ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।